सरकार, आवाम, अधिकारी, जज और अब सेना। बांग्लादेश में कोई भी सुरक्षित नहीं है। कई दिनों से जारी हिंसा अब बेकाबू हो गई। इस बीच सेना के जवानों पर भी हमले की खबर है। सेना की गाड़ी पर यह हमला गोपालगंज इलाके में हुआ। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार इस घटना में सेना के जवानों, पत्रकारों और स्थानीय लोगों सहित 15 लोग घायल हो गए हैं। घायलों में 2 को गोली भी लग गई है। आखिरकार इतने दिनों की चुप्पी के बाद शेख हसीना ने अपना मुंह खोला, आज खोला, कल उनके बेटे ने खोला था। बेटे ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली थी। शेख हसीना ने धमकी भी दी, इससे पहले भी शेख हसीना के बेटे ने धमकी दी थी। जब अमेरिका में हिंदू सड़कों पर निकल आए प्रोटेस्ट करने के लिए, बांग्लादेश में जो हिंदू रहते हैं उन लोगों ने भी ये फैसला कर लिया कि अब जो है डर के बैठना या भागना ये जो है सोल्यूशन नहीं है इस मसले का। खान जैसे पत्रकार जो अक्सर नेता बनने की सोचते रहते हैं, जो अक्सर इमरान खान का भी इसने समर्थक इतने लंबे समय तक इसीलिए कर दिया कि शायद पीटीआई से टिकट मिल जाए। जैसे जो फिजा खान का भी जो शो है ऐसे नहीं चलेगा, वो जो पहले व्यक्ति होस्ट करते थे वो भी पत्रकार से इमरान खान की पार्टी में सांसद हो गए, इनको भी उम्मीद थी ये भी सांसद हो जाएंगी और कई पत्रकार भी सांसद हो गए, उनको देखा देखिए, मगर वैसा हो ना सका। अब ये बीच पब्लिक में जाकर के बलोचों के बीच जाकर भी मुंह काला करवाने का काम फिजा खान ने किया। बेइज्जती, भयंकर बेइज्जती जो है, किसी के जख्म इतने गहरे हैं, जिस किसी के जख्म इतने गहरे हो ना कि उसके परिवार किसी को गायब करवा दिया गया हो, वो लोग हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों तक जो है वो बलूचिस्तान से निकलकर कराची इस्लामाबाद में कहीं पड़े रहते हो न्याय की मांग में, उनसे जाकर के आप पूछोगे कुछ अल्टू फालतू बात करोगे तो वो हरे सब भरेंगे नहीं, उल्टा रिएक्शन ही होता जो यहाँ पर होता है वो मैं नजर। कार्यकर्ता और स्थानीय लोग पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश में वापसी की मांग कर रहे थे। उन्होंने ढाका खुलना राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया। इस बीच सेना की गाड़ी वहां पहुंची और उन्होंने प्रदर्शनकारियों से सड़क को खोलने और प्रदर्शन को खत्म करने की अपील की, लेकिन भीड़ ने उन पर ईंटें फेंकना शुरू कर दिया। इसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए सेना के जवानों ने लाठियां बांधी। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने सेना के वाहन में तोड़फोड़ कर दी और उसे आग के हवाले कर दिया। एक बच्चे सहित 2 लोगों को गोली मार दी। बता दें पड़ोसी देश बांग्लादेश में अशांति के मद्देनजर असम पुलिस भारत बांग्लादेश सीमा पर हाई अलर्ट पर है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से राज्य में प्रवेश न कर सके। पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह ने कहा कि केंद्र ने निर्देश जारी किया है कि किसी भी व्यक्ति को बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की अनुमति न दी जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं को भी निशाना बनाया जा रहा, कई मंदिरों को आग लगा दिया गया। इसी बीच अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने हिंसा प्रभावित अल्पसंख्यक समुदायों पर हमले की निंदा की। बांग्लादेश के 2 हिंदू संगठनों बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद और बांग्लादेश पूजा उद्यापन परिषद के अनुसार 5 अगस्त को शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्यों को 53 जिलों में हमलों की कम से कम 205 घटनाओं का सामना करना पड़ा। खैर आपका क्या कुछ कहना है, जिस तरह से अब हमला हो चुका है, चाइना तो बहुत कम रहा, लेकिन अब शेख हसीना बाहर रही आके बोली कि मैंने अगर सेंट मार्टिन आइलैंड दे दिया होता अमेरिका को तो ये हमला नहीं होता और मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र था वो भी नहीं होता। सेंट मार्टिन आइलैंड है कहाँ वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसकी खूबी क्या ये भी दिखाता हूँ। ये है, ये गूगल अर्थ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गूगल अर्थ का लाइव मैप है। ये एरिया ऐसा है जो कि म्यांमार पर रख सकता है, बांग्लादेश पे भी रख सकता है, इंडिया पे भी रख सकता है, और इंडियन ओशन जिसको हम नीचे इंडियन ओशन है, बे ऑफ बंगाल जिसका राजा इंडिया है उसमें अमेरिकन बेस आ जाए तो क्या वारे न्यारे। इसलिए भी इसका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा था शेख हसीना का, इस अमेरिका का, इसमें शेख हसीना नहीं देना चाहती थी। अच्छा, इस आइलैंड को ये नारिकेल जंजीरा, नारिकेल जंजीरा भी बोलते हैं, मतलब कोकोनट आइलैंड, या दारूचीनी द्वीप भी बोलते हैं, मतलब दालचीनी द्वीप। ये छोटा सा आइलैंड है, तकरीबन 3 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, लेकिन इतना एरिया है कि इस एरिया पे एक एयरबेस बन सके। और इस पूरे गेम में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का था तो इंडिया का था, क्योंकि इंडिया के एरिया में, इंडिया का ही बे ऑफ बंगाल, बंगाल बोलिए तो बांग्लादेश भी बंगाल है, लेकिन बे ऑफ बंगाल हमारे
हमारा सबसे कोई कंट्री है जिसकी सबसे लंबी सीमा लगती है बंगाल से, तो वो हम है और हम उस एरिया में, हमारी नेवी उस एरिया को अपना रीजन मानती है और हम बे ऑफ बंगाल के दोनों साइड है, मतलब उस साइड अंडमान निकोबार आइलैंड और इस साइड हमारा इंडिया, मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड भी इंडिया का ही है, लेकिन इस साइड मेनलैंड इंडिया पूरा का पूरा आपका कोरोमंडल कोस्ट पूरे इस साइड, तो हम अंडमान निकोबार और कोरोमंडल कोस्ट के बीच के एरिया जो उसको भी अपना ही मानते हैं। बांग्लादेश ने इंडिया ने इस मामले में बांग्लादेश को सपोर्ट किया, बांग्लादेश ने इसके खिलाफ अपना बहुत हंगामा मचाया, बाद में म्यांमार ने बोला कि नहीं हमसे गलती हुई ये आपका, क्योंकि इंडिया का भी सपोर्ट इसमें मिला हुआ था बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश को फायदा हुआ। शेख हसीना की गवर्नमेंट यहां पर चाइना का बेल्ट रोड इनिशिएटिव भी लाने की प्लानिंग में थी, हमने देखा कि कुछ ट्रेड कॉरिडोर बन रहे थे, लेकिन इसी एरिया से इंडिया को भी रास्ता मिलना था चिकन्स ने क्रॉस करके हमारे त्रिपुरा वगैरह, मतलब नॉर्थ ईस्ट की ओर, ये भी शायद अमेरिका को पसंद नहीं था। आज यूएन में भी ये मुद्दा उठाया गया है, आज यूएसए में भी प्रोटेस्ट हुआ है, और आज जो है खुद बांग्लादेश के जो हिंदू है वो सब सड़कों पे निकल आए हैं, और वहां पर जिस तरीके से हिंदुओं को दौड़ाया जा रहा था अब वो उनके सामने सड़कों पे खड़े हुए हैं कि भाई अब जो करना है अब आ जाओ। मेरे ख्याल से यूएसए में जो प्रोटेस्ट हो रहा है, देखिए इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की मीडिया इस मसले को लेकर बिल्कुल ऐसी चुप है जैसे पूरे पाकिस्तानी मीडिया को सांप सूख गया हो। हारिस रऊफ को पढ़ते हैं, शाहीन शाह अफरीदी को पढ़ते हैं, नसीम को पढ़ते हैं, पूरे दुनिया के बॉलर्स को पढ़ते हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया इतनी रेडी बैठी होती है कि यार किसी ना किसी तरीके से कोई न्यूज़ निकले हिंदुस्तान या अफगानिस्तान से, उन्होंने पटाख से ये न्यूज़ पूरे न्यूज चैनल पे चला दी। बांग्लादेश में जब सरकार गिराई गई थी तो पाकिस्तान में जो है मीडिया पे अजाने दी जा रही थी, मीडिया चैनल पे बैठ के लाइव टीवी शो में वहां के जो पार्टी है जमात इस्लामी है क्या है वो कड़े होके वो तराने गा रही थी, वो कुछ गा रहे थे ताकि बांग्लादेश के जो लोग हैं उनके जज्बात उनको और भड़काया जाए। जो है वहां की सेना के इशारों पे नाचती है वो, पाकिस्तान के सेना के इजाजत के बगैर एक एक कब्र नहीं दे सकते। हाँ, पाकिस्तान की सेना ने कहा हुआ ऐसी न्यूज चलाए बांग्लादेश की सरकार गिर गई, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम बढ़ गए आपस में, तो भारत से तो विरोध झेलती ही रही है फिजा खान, और भारत जैसे पाकिस्तान में भी जो कई सारे समझदार लोग हैं उनके द्वारा भी बेइज्जत होती आई है फिजा खान, मगर बलोचों से पंगा लेना शायद फिजा खान के लिए एक अच्छा फैसला नहीं था, जिसका नतीजा यहाँ पर बड़ा ही खौफनाक किस्म का फिजा खान को देखने को मिल गया है। पहली बार नहीं है, इसके पहले भी हमने कई बार देखा है कई सारे बड़े बड़े नेता, कई सारे अलग अलग किस्म के लोग बलोचों के बीच जाते हैं और वहां से अपना मुंह काला करवा के सामने आता है, जैसे भी फिजा खान भी अपना मुंह काला करवा के वहां से आए। किसी के देखो समझना पड़े, ये लोग इतनी इतनी समझ नहीं है, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, ये जो पाकिस्तानी पंजाबी में इतनी समझ नहीं है कि किसी के घर परिवार का कोई सदस्य आपकी फौज ने उठा लिया, जिससे आप बात कर रही हो सकता है वो हफ्तों तक कराची में इस्लामाबाद में प्रोटेस्ट करने के लिए सड़क किनारे बैठा रहा हो, धूप हो, गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, वहां से उठा नहीं। किसके लिए? क्योंकि उनको न्याय चाहिए था अपने परिवारजनों के लिए, अपने प्यारों के लिए, जो पाकिस्तानी फौज के द्वारा गायब करवा दिए गए। उससे आप सोचो कि ये आलतू फालतू बातें करके उसको आप सोचो कि अपने बहला फुसला के उसको जिहाद का चूर्ण देके उसको पाकिस्तान जिंदाबाद दुलवा के उसको काफिरों की दुश्मनी दिखा के आप बहला फुसला लोगे, तो ये बहुत ही घटिया और गंदा फैसला अपने आप पर, उसका रिएक्शन मिलता है जैसा यहाँ पर रिएक्शन मिलता हुआ नजर आया है। पाकिस्तान फौज ने, जो पाकिस्तानी फौज है उसने बलोच कबीलों के जो सरदार थे उनकी जेबें भरकर एक दौर में जबरन कब्जा किया था बलूचिस्तान के ऊपर, वो भी एक अलग कहानी है एनेक्सेशन ऑफ बलूचिस्तान, जिसमें जितने सरदार थे उनके कबीलों के, कबीलेवाद का कल्चर बलूचिस्तान में, उन सबके सरदारों को मोटा पैसा देकर के, ज्यादातर को पैसा देकर के, जो एक 10-5% नहीं मानते थे उनको गायब करवा करके बलूचिस्तान पर कब्जा किया, और वहां के जो नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार था आज भी उसमें काफी कुछ है
उसमें का बहुत समय तक खुद उसका जो है दुरुपयोग, उसका जो है पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज करते रहे, उसको एक्सप्लॉइट करते रहे। चीन ने ना जाने कितनी फैक्ट्रियां, कितने माइनिंग वहां पे लगा रखी, वहां से कितना कुछ निकाल लिया। चीन को बिलियंस ऑफ डॉलर का फायदा ऑलरेडी हो चुका है, वहां से सामान खोद खोद कर निकाल के पाकिस्तान को भी हुआ, बेच बेच के उन्होंने कमाया। ये सब करने के बाद आप अभी सोचो कि उनके आंसू भी नहीं पोछो कि कुछ भी कर लोगे, तो रिएक्शन तो ऐसा ही आएगा।